रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान और माटी बेटी का रिश्ता है, ये बात मैं कहना चाहता था। तो मैं मुझे आपका स्वागत करना, सभी महानुभावों का आपका अभिनंदन साथ में आए श्रीमती दयाल प्यारी जी पीसीसी सचिव हिमाचल प्रदेश, श्री अरुण मेहता जी पीसीसी सचिव हिमाचल प्रदेश, श्री पद्मश्री श्री विद्यानंद श्रेष्ठ जी, श्री मोहन सिंह भाई जी, और ये हमारे देवता कमेटी की ओर से भेंट है, ये प्रधान श्री ओम सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को तलवार, टोपी और शॉल देकर सम्मान दे रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। तो आप सभी लोग जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। पद है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और जैसे ही यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश की सत्ता परिवर्तन हुआ, हमें लगभग कोई 12,000 से अधिक आपके शिक्षा विभाग में पद रिक्त मिले। इन सभी को भरने की कवायद आपकी चली है। मैं भी आंकड़े ले रहा था, अपने डिप्टी डायरेक्टर हमारे यहाँ पर दीवान जी बैठे हैं, यहाँ पर भी सिरमौर जिले में भी लगभग 200 से अधिक हमारे पदों को बैच वाइज माध्यम से इनको भरा जाएगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो दूर दराज के क्षेत्र है, जो आपके सिंगल टीचर, विदाउट टीचर या जहां पर हायर इनरोलमेंट है, ज्यादा स्टूडेंट्स है, उन क्षेत्रों में इन शिक्षकों को भेजा जाएगा। कि वर्तमान में चाहे वो पछाद विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे चुपाल, जुबल, कोटखाई की बात हो, या फिर वो चाहे आपके चुरा, चंबा जिले की बात हो, भरमौर की बात हो, चाहे वो हमारे कुल्लू जिले की बात हो, जितने भी हमारे ये पहाड़ी क्षेत्र है, अगर अभाव हमारा अधिकतर स्टाफ से संबंधित अगर है किसी क्षेत्र में तो इन्हीं क्षेत्रों में है। तो मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी जो आपके पद रिक्त पड़े हैं उनको भरा जाए। यहाँ पर परीक्षा केंद्र की बात आई तो इसका भी मैं भी डिप्टी डायरेक्टर से इसकी पूरी रिपोर्ट लूंगा। एक साइंस ब्लॉक की बात आई और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में यहाँ साइंस की क्या स्थिति, कितने स्टूडेंट्स है, कितने यहाँ पर आपके वर्तमान में टीचर्स हैं, क्योंकि अतीत में ऐसा हुआ कि आपने सैकड़ों की संख्या में स्कूल खोल दिए लेकिन अगर स्कूल में टीचर ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। एक तरह से हम बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। तो वर्तमान सरकार ने ये सोच बनाई कि वर्तमान में जो 15,000 के आसपास हमारे शिक्षण संस्थान पूरे हिमाचल प्रदेश में है, प्रथम चरण में हम इन सभी संस्थानों को सुदृढ़ करेंगे। जहां आधारभूत ढांचे को विकसित करने की बात होगी वो किया जाएगा। जो खाली पड़े पद है वो तो हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ कर दिया। लगभग कोई 5300 पोस्टें आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन में इसकी स्वीकृति प्राप्त की, 585 पोस्टें हमारी पीजीटी की स्कूल कैडर की, वो भी मैं समझता हूँ उसकी प्रक्रिया भी कमीशन में प्रारंभ हो चुकी है और 30 नवंबर तक जो भी आपके एलिजिबल आपके कैंडिडेट्स है उसके लिए आवेदन दे सकते हैं और उसके बाद इसकी छटनी के बाद आपका ये प्रोसेस आपका स्कूल कैडर लेक्चरर्स का भी प्रारंभ होगा। और जहां तक तो कॉलेजेस की बात है, लगभग कोई 90% के आसपास जो हमारे पद रिक्त थे वो भरे जा चुके हैं और आने वाले समय में सभी हमारे स्कूलों में, महाविद्यालय में पूरा पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी क्षेत्र को विकसित करने की बात आई, इस सोच के साथ भी सरकार कार्य कर रही है। हालांकि जिस गति के साथ सरकार का आते ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himaachal.k